अभी चीकू के पापा जी चले आए हैं मार्केट से लग गया विराट और यहाँ हट जो लग गया चोट लाए हैं विराट चीकू दोस्तों दोनों बैठ गए हैं ऊपर तो राधे राधे नमस्कार प्रणाम स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। सो दोस्तों इस वीडियो को ना हम लोग इवनिंग से स्टार्ट कर दे रहे हैं और अभी दोस्तों शाम का समय हो चुका है और आकर के जस्ट दोस्तों कुछ देर पहले मैं रेडी हुआ हूँ और शाम हो गए हैं फिर भी गाड़ी का वहाँ पर दोस्तों मेरा गाड़ी लगा हुआ है ना तो बोल रहा है कि गाड़ी पर चलो गाड़ी पर चलोगे। सो अभी दोस्तों मैं ना जा रहा हूँ मार्केट बांस खरीदने के लिए। तो दोस्तों बांस किस लिए खरीदेंगे वो दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा आज के इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली जानते हैं कि मैं बांस किस लिए खरीदने जा रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ। ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ना इधर बाउंड्री जो कि खराब हो गई है तो अच्छे दोस्तों नहीं दिख रहे सूर्य जी। हाँ और उधर सब्जी जो कि लगाना है तो उधर बांस जो कि पहले चारों तरफ घिराई कर देंगे तब जाकर जो कि सब्जी लगाएंगे तो बच पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही सब्जी लगा देंगे तो पूरा बकरी ये सब जानवर हो रहे हैं ना। बकरी जो कि यहीं पे चल रही है ना। हाँ ज्यादातर यहीं पे हम लोग के पास ही आकर बकरी आसपास में और भैंस उधर उधर साइड में जो कि बकरी चल रही है। तो इधर मतलब खुला एरिया है, गांव दोस्तों आगे में है, देखिए उधर गांव है और हम लोग गांव के पीछे वाले एरिया में रहते हैं इधर। हाँ, इधर तो पूरा घास जंगल टाइप का थोड़ा है तो सभी जानवर जो की इधर ही आते हैं। हाँ और बकरिया उकरिया जो की दोस्तों इधर ही चरते हैं तो बकरिया से दोस्तों बचाने के लिए ना लत्तर ये सब को ना बांस उस लाना पड़ेगा और घेरना पड़ेगा दोस्तों प्रॉपर ढंग से अच्छे तरीके से, तब जाकर दोस्तों जो कि यहाँ पे अच्छे से सब्जी उग पाएंगे। और बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली ना कमेंट कर रहे थे पहले भी कि आप लोग मतलब सब्जी लगाइए बहुत जगह स्पेस है आप लोगों का, तो सब्जी तो लगाएंगे लेकिन उसको लगाना दोस्तों बड़ी बात नहीं, उसको देखभाल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है और उसको अच्छे से रखना तो ये सब के लिए दोस्तों क्या करने होंगे कि बांस उस लाना होगा अच्छे तरीके से दोस्तों घेरने होंगे। तो देखते हैं दोस्तों कितने बांस लाएंगे और वहां से जो कि यहां तक इधर साइड तक दोस्तों घेराई करेंगे ना तो ज्यादा बांस लगेंगे उधर साइड में तो ज्यादा बांस लगेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग जो कि ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। फिलहाल दोस्तों तो अभी मैं चलता हूं मार्केट के लिए, गुड़िया जी हैं जो कि खाना उना दोस्तों जो बनाने हैं ना वो सब खाना उना आप बनाएंगे, बर्तन वर्तन वाश करेंगे, गाड़ी गाड़ी दिखा रहा है जेसीबी मेरे को। चलो ठीक है चलो, तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं मार्केट जो कि बोर्ड निकाल दिए कैरम बोर्ड खेलने के लिए। खेलेगी खेली है ना दोपहर में, रख दो बाद में खेलना बाद में खेलना, अब शाम हो गए शाम हो गए। क्या लेते आएंगे चीकू? हाँ बुकुट बिस्कुट, बुकुट नहीं बिस्कुट बिस्किट बिस्किट ले रहे हैं। चलो खोलो मत बाबू से। So, दोस्तों अभी चीकू के पापा जी अपना बाइक पे बैठ गए हैं और अभी अभी निकल रहा हूँ मार्केट ये जाने के लिए। कर दो विराट चीकू बाय बाय कर दो। अभी दोस्तों आ चुका हूँ मेन रोड पे और ये दोस्तों रोड ना जो कि जाएगी बड़ा वाला जो मार्केट हमारा पड़ता है वहाँ पे, और आप लोग दोस्तों पीछे साइड में देख सकते हैं खेती खेत दोस्तों आप लोग को दिख रहे होंगे। और ये देखिए दोस्तों धान वाला जो खेती है कैसे एकदम हो गए हैं, मतलब दरार पड़ रहे हैं दोस्तों पानी के कारण, बारिश दोस्तों हमारे यहाँ हो ही नहीं रहे। तो चलिए मेरी फैमिली आप लोग जो कि ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, यहाँ से दोस्तों जाने में ना 15-20 मिनट लगेंगे। सो मेरी फैमिली बांस लेने के लिए दोस्तों चलाया हूँ दोस्तों बड़ा वाला बाजार और यहाँ का दोस्तों नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ। यहीं से दोस्तों जो कि बांस है ना मैं ले जाता हूँ और कंटिन्यू बने रहिए, एक एक करके दोस्तों सारे बांस को ना ला देंगे उसके बाद दोस्तों ले चलेंगे। पहले बांस जो कि लाद दिए हैं टोटल दोस्तों 20 ठो बांस जो कि लादे हैं और 20 ठो की दोस्तों जरूरत ही है और अब लेकर दोस्तों चलेंगे घर। One hour later. दोस्तों अभी चीकू के पापा जी चले आए हैं मार्केट लग गया विराट और यहाँ हट रहा लग जाएगा चोट लाए हैं तो आप सभी को बाद में दिखाएंगे लग जाएगा। और सबसे पहले आप सभी को दिखाते हैं इतने सारे दोस्तों बांस है जो कि लाए हैं। हाँ, तो इसका दोस्तों क्या यूज है वो आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोग जानते भी होंगे 20 ठुलाए हैं। हाँ और ये दोस्तों पड़े हैं 135 रुपए पीस और बढ़िया बांस है लंबा लंबा सीधा। तो आप लोग तरफ दोस्तों कैसे मिल रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हट जाओ विराट आते हैं अभी और पीछे मुख रहता तो ठीक रहता ना जी, कोनवा छेका गया जी
जी। चीकू के पापा जी जो थैला में सामान लाए हैं उसे हम रख दिए और यहाँ पे चीकू के पापा जी एक एक करके सारे बांस है जो की उतारे हैं। और इधर सूरज जी है यानी चीकू के पापा जी के भाई है, मामा जी का लड़का है, तो दोनों मिलकर अच्छे से बांस है जो की उतारे हैं। और एक जो साथ में आए हैं वो भी मिलकर उतार रहे हैं। एक उतारे उतर ही गया 17 पीस उतर गया जी। बहुत लंबा लंबा बांस है और साइड में इसी तरह से करके रख दीजिए। ए विराट हटो हटो विराट, अभी विराट को चोट लग जाता। भागो 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 भागो। और अभी हम स्नान किए हैं जस्ट और चीकू के पापा जी चले आए और मत जाओ जी। तो सारा बांस जो की उतार दिए ड्राइवर से और मैं और सूरज दोस्तों मिल करके, और इसे लादने में ना काफी ज्यादा टाइम लगे थे लेकिन उतारने में तुरंत उतार तुरंत उतर जल्दी जल्दी से उतार दिए हैं आप लोग तीनों मिलकर। चलिए अभी दोस्तों फ्रेश हो जाते हैं। तो दोस्तों बांस उतार गए ना, अब लेकर के जा रहे हैं बैठ गया विराट जी को। दोस्तों दोनों बैठ गए ऊपर, सूरज बैठा दिया मेरा मामा का लड़का। चलिए दोस्तों उतार दिए बांस ना, अब जा रहे हैं। उतार कर लेकर चले आएंगे। सुमेरिटी फैमिली, इस वीडियो को ना हम नेक्स्ट दिन कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको दोस्तों बता दूं कल ना किसी काम से हम चले गए थे शाम में, जिसके कारण से दोस्तों ब्लॉग को जो कि कंटिन्यू नहीं कर पाया। और सुबह में मेरे दोस्तों कुछ काम थे तो उसमें दोस्तों बिजी रह गया, इसके वजह से दोस्तों ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया। और आप लोगों को दोस्तों बता दूं अभी सुबह का दोस्तों बज चुके हैं कितना, 8:30। आप लोगों को दोस्तों बताता हूँ, सो दोस्तों टाइम अभी हो चुके हैं 8:44। और गुड़िया जी जो कि दोस्तों खाना है जो कि बना लिए हैं और अभी खाना जो कि निकाल रहे हैं खाने के लिए। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खाना है जो कि गुड़िया जी लगा दिए हैं, दही पनीर की सब्जी और रोटी तो पसंद है गुड़िया जी को भी और आम। तो चलिए अभी ना मैं फ्रेश हो चुका हूँ, गुड़िया जी खाना भी पूरी तरह से लगा लिए हैं और चीकू भी दोस्तों खाने के लिए जो कि रेडी है। अरे इधर इधर आओ चीकू, आज विराट जो कि सो गया है। विराट दोस्तों अभी ना सोया हुआ है तो उठेगा तो वो खाना खाएगा। मैं आने के बाद ना बहुत एकदम सुकून मिलता है भाई, है ना, बहुत ज्यादा। इसी रूम में दोस्तों आज बैठ करके खाएंगे, तो जिन जिनको खाना है मेरी ब्यूटी फैमिली आप लोग खा लीजिए। इधर है आम, इधर है दही, इधर है रोटी और इधर है पनीर। पनीर भाई क्योंकि ऊर्जा चाहिए गुड़िया जी को बहुत जबरदस्त वाली, है ना, पड़ता है। हाँ तो दोस्तों तागड़ा से खाना खाएंगे तभी जाकर दोस्तों एनर्जी आएंगे, शक्ति मिलेंगे शरीर में, तो कुछ काम कर पाएंगे ना, इसी चलते। और आज हम लोग किचन रूम में खा रहे, पहले भी इस रूम में खाए। हाँ, और नया नहीं है ये, मतलब ये जमीन है ना, इस जमीन का खाना हम लोग ऑलरेडी पहले खा चुके हैं। हाँ, खाना और पहले शुरुआती दौर में जो बनाए थे तो हम लोग पूजा पाठ किए थे। हाँ, तो हम लोग सोच रहे हैं कि वही जमीन है वही, तो अब बैठ करके इसमें खाते हैं। चलो खाओ बाबू। अच्छा अच्छा है ना। क्या खाओगे, क्या क्या खाओगे बताओ, क्या क्या खाओगे, क्या क्या सब कुछ खाओगे, रोटी पनीर ये सब। हम लोग तीन लोग मुझे खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो आज दोस्तों गुड़िया जी जो भी टेस्टी खाना बनाए आप लोग देख लिए, चलिए अभी खाते हैं और उसके बाद दोस्तों खाना वाना खा। दही मिला लीजिए, दही भी नहीं मिला है, दही डाले हैं। मेरी प्यारी दोस्तों बेटी विराट है जो कि सो रहा है, विराट सोया हुआ है ना, तो विराट मतलब जगा हुआ है ना, तो हम लोग साथ में ज्यादातर कोशिश करते हैं खाने के लिए ताकि विराट भी हम लोग को देख करके ना वो भी खाता है भैंस की। चलिए अभी दोस्तों हम भी खाता हूँ, गुड़िया जी आप खा लो, लीजिए ना। चीकू और चीकू के पापा जी अभी खाना है जो कि खा रहे हैं और हम भी खाए, बहुत दोस्तों टेस्टी बने हुए हैं। हाँ, बहुत दिन के बाद अब अभी पनीर नहीं खाए हैं बस दही। तो चलिए बेटी पहले हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों से मिलते हैं। A few minutes later. So, my beautiful family, हम लोग खाना है जो कि खा लिए हैं। और आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं यहीं पे जो कि सब्जी जो कि दोस्तों हम लोग लगाने वाले हैं, तो उसके लिए दोस्तों घेराई उड़ाई करना पड़ेगा, तो बांस उसका मतलब काटना पड़ेगा और भी चीजें जो कि दोस्तों करना पड़ेगा, तो मेरे से दोस्तों अकेले तो नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए एक आदमी को मैं बुलाऊंगा
मतलब पिछले बार दोस्तों जो घेरे थे ना वो हाँ। आंगन को, तो उनको शायद मैं बुलाने की मतलब फुल कोशिश में रहूंगा, अगर वो फ्री रहेंगे तो वो आ सकते हैं। वो जो वो दोस्तों हमारे जो कि मौसा जी लगते हैं तो और वो अच्छे से बहुत अच्छे से घेराई कर देते हैं, उनको अच्छे से दोस्तों आते हैं करने के लिए घेराई, तो उन्हीं को दोस्तों बुलाऊंगा। तो आप लोग दोस्तों अपना सुझाव दीजिएगा कि उधर से दोस्तों बॉन्डिंग करके सब्जी लगा दूंगा तो कैसा रहेगा, और घर भी दोस्तों मतलब बॉन्डिंग करने हैं ताकि अच्छा, क्योंकि सब पूरा दम बिखर गए तो अच्छा नहीं लगते हैं। हाँ, तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, और आज के वीडियो दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों कैसे लगे आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए ब्यूटीफुल फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।